अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज की जो वीडियो है वो शॉर्ट नेल्स वालों के लिए है जिनके ज़्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं होते। आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा नेल आर्ट का डिज़ाइन आप लोगों को बनाना बताया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये लेडी बर्ड काइंड ऑफ नेल आर्ट किया जाए तो कीप ऑन वॉचिंग, और उससे पहले सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो यू ऑलवेज नोटिफाइड कि मैंने वीडियो अपलोड की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए एक डॉटिंग टूल। अगर ये नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप इसकी जगह कोई भी ब्रश ले सकते हो, मेकअप ब्रश जो होता है उसकी टिप से, लाइक उसकी जो बैक होती है उससे आप यूज़ कर सकते हो, या कॉटन बर्ड्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें चाहिए नेल फाइलर, जिसे हमें अपने नेल फाइल करने हैं। हमें चाहिए नेल टॉपर, और कोई भी आप नेल पॉलिश ले सकते हो। मैंने रेड और वाइट ली है, यहाँ पर ऑरेंज दिखा दिया, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेल फाइलिंग से। कीप इन माइंड कि नेल जब फाइल आप करते हो तो उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फाइल करना चाहिए, बैक एंड फोर्थ नहीं करना चाहिए, उससे आपके नेल्स जो हैं वो टूट जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। सो एक ही डायरेक्शन में आपने अपने नेल्स को फाइल करना है, जोन सी भी शेप आपको चाहिए आप उनको फाइल कर लो। सो फाइलिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूटिकल ऑयल, और इनको मैं अपने नेल्स पर नेल के क्यूटिकल्स पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, और इनको थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ, और इसको मैं 5 मिनट्स के लिए अपने नेल्स पर रहने दूँगी। नेक्स्ट हम मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूटिकल को पुश करने के लिए फाइलर। आप लोग क्यूटिकल पुशर ले सकते हो, मेरा मिल नहीं रहा था सो मैंने ये यूज़ किया है। अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, आराम से आपने अपने क्यूटिकल्स को पुश करना है ताकि थोड़ा सा क्लीन लुक आए नेल्स की। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने किसी भी नेल रिमूवर से अपने नेल्स को साफ़ कर लेना है अच्छे से, ताकि कोई भी ऑयल या डर्ट आपके नेल्स पर ना रहे। देन टाइम आ गया है हम अप्लाई करेंगे नेल पॉलिश। सो आप कोई भी कलर ले सकते हो, आई एम यूजिंग रेड नेल पॉलिश क्योंकि लेडी बर्ड का कलर रेड होता है। रेड एंड ब्लैक नेल पॉलिश मैं यूज़ कर रही हूँ। सो मैं अपने नेल्स पर रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने सिंगल कोट अप्लाई किया है नेल पॉलिश का। बाय द वे ये मेडोरा का रेड कलर है। नेक्स्ट इसको ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद हम इस पर आर्ट करेंगे। ओके, आर्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉटिंग टूल। ब्लैक नेल पॉलिश से मैं इस तरह से डॉट्स अप्लाई करूँगी। पहले सेंटर में एक लाइन अप्लाई करूँगी, 4 डॉट्स मैंने अप्लाई किए हैं। देन इनकी साइड्स पे मैं स्टार्ट करूँगी डॉट्स अप्लाई करना। इस तरह से आपने इसकी साइड पे अप्लाई कर लेने हैं डॉट्स, लाइक दिस। ओके, ये मैंने रिंग फिंगर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब मैं अपनी जो मिडिल फिंगर है उस पे डॉट्स अप्लाई करूँगी। जहाँ से मेरा नेल स्टार्ट होता है वहाँ पर मैं डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने इंडेक्स फिंगर पे अप्लाई कर रही हूँ, इंडेक्स फिंगर के नेल पे, नेल की टिप पे अप्लाई करूँगी डॉट्स इस तरह से। ओके, बहुत आराम से एंड स्लोली आप लोगों ने वर्क करना है। ये वीडियो की वजह से मैंने थोड़ा सा स्पीड अप किया है। ओके, इस फिंगर पे मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई है डॉट्स की, 1 2 3 4। सारी फिंगर पर अप्लाई करने के बाद अब हमारी बारी है टॉप कोट अप्लाई करने की। ड्राई होने के बाद आप लोगों ने टॉप कोट अप्लाई करना है, इससे आपके जो नेल्स हैं वो सिक्योर रहेंगे, आपने जो नेल आर्ट किया है वो सिक्योर रहेगा ज़्यादा देर तक। अब
अब मैं क्यूटिकल ऑयल अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा नीट लुक आ जाए, और इसको थोड़ा सा मसाज करूँगी अपनी नेल्स पर। सो गाइस, ये रही आज की वीडियो, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप लोग और भी नेल आर्ट्स देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।